हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे कोई भी वर्ड फाइल को आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए इमेज वर्ड 2017 को ओपन करना है। देखिए, इसके अंदर मैं ऑलरेडी एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हूँ। इसको कैसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो सेव एज के अंदर कोई भी पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले गूगल को ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र को, और सर्च करना है। आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन सेव एज पीडीएफ ऑफिस 2007, इसको सर्च करना है। उसके बाद पहला जो लिंक आएगा, ये वाला जो लिंक आएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन हो रहा है और उसके बाद देख सकते हो डाउनलोड लेटेस्ट वर्सन फॉर विंडोज़। बहुत ही छोटा सा एक फाइल है, 956.34 KB का, इसको आपको डाउनलोड करना है। देखिए, मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। मैं ये ऐड आ गया है, इसको क्लोज कर देंगे। देखिए, ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए, डाउनलोड ये हो गया है। उसके बाद सो इन फोल्डर करते हैं। उसके बाद इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं डेस्कटॉप में। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये इसको क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। ये थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। ओके कर देना है। फिर वर्ड फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं ये यहाँ पर आ गया है और नहीं। देखिए, इस बार पीडीएफ और एक्सपीएस इसको आ गया है। अगर क्लिक सेव करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए आ गया है पीडीएफ, और सेव कर सकते हो। तो इसी तरह का कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए, साइन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।